और अगर मैं चाहूं तो इस रिंग को मैं रोप के अंदर फिर से मैजिकली घुसा सकता हूं। तो देखो 1 2 3, तो देख लो अभी दो साइड बाहर ही है लेकिन रिंग फिर से इस रोप के अंदर घुस गया। सो बहुत दिन से आप लोगों को मैंने बहुत सारा ट्रिक्स सिखाया है, बट एक्चुअली आज जो ट्रिक्स मैं लेके आया हूं सच में यूनिक है और सच में अमेजिंग मैजिक है। तो होगा क्या ना, इस रिंग को आप इस रोप के अंदर डाल सकते हो बिना किसी छेद के। तो चलो यार आज की इस मैजिक को शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। तो यार रियल में इस मैजिक को जब आप किसी के सामने करके दिखाएंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा और उसको देखने में भी बहुत मजा आएगा। तो देख सकते हो यार ये जो रिंग है इसमें किसी का कटिंग नहीं है और ऑलरेडी मैंने इस रिंग को और रोप को लेकर बहुत सारा ट्रिक्स ऑलरेडी सिखाया है इस चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आपको फेसबुक में भी बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो देखो मेरे पास एक सिंपल सा रोप, इसमें किसी कोई कटिंग नहीं है और सबसे पहले इस रोप को मैं इस तरीके से रख देता हूं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको रिंग दिखाया, रिंग में भी कुछ नहीं है, तो रिंग को मैं रखूंगा यहां पर। और मेरे पास है एक हैंकी यानी कि रुमाल जो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें किसी का कोई ट्रिक नहीं है और अभी हम इसको इस तरीके से रख देंगे। आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, इस रोप का इस साइड का जो हिस्सा है वो इधर पड़ा हुआ है और इस साइड का जो हिस्सा है वो इस साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। बीच में कोई कटिंग नहीं है। और अगर मैं आपको सवाल करूं क्या इस रिंग को आप इस रोप के अंदर डाल सकते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साइड से आपको डालना ही पड़ेगा। अभी मैं इसको इस तरीके से ऑफ कर देता हूं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। एक्चुअली अगर मैं इसके अंदर इस तरीके से मैजिक करूं तो थोड़ी टाइम के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूं, आप फॉलो कीजिए दो साइड को, मैं किसी तरीके से इसको अंदर ले रहा हूं या नहीं। तो देख सकते हो दोनों साइड अच्छे तरीके से बाहर हुआ है, बट मैं यहां पर मैजिक कंप्लीट कर रहा हूं। जस्ट 1 2 एंड 3, मैजिक 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 मैजिक। वॉच, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो रिंग है वो रोप के अंदर घुस गया, क्या आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी दो साइड बाहर है और रुमाल को हटाते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो यार इस रुमाल को हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर रिंग जो है रोप के अंदर घुस गया है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार फास लगा के कौन सा इसके अंदर गया है, लेकिन एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा खींचू तो आपको रियल चीज देखने को मिलेगा। जस्ट 1 2 एंड 3, वाह है ना कमाल का। तो अब आपको विश्वास तो हो ही गया होगा कि ये रिंग रियल में इस रोप के अंदर चला गया, लेकिन इस रोप के अंदर किसी भी तरह कोई कटिंग वटिंग नहीं है। तो देख सकते हो ये रियल रिंग है जो इसके अंदर घुस गया। अभी अगर आपको पसंद आया तो यार फटाफट 1 लाख तो कंप्लीट करो, क्योंकि इतना बढ़िया ट्रिक के लिए 1 लाख तो करना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको मैजिक दिखाया रोप के अंदर रिंग घुसना, इसका बहुत सारा तरीका होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा ट्रिक और दिखाया था, सिखाया भी था। तो देख सकते हो अभी जो है रिंग फिर से मैंने बाहर कर लिया रोप से, और अगर मैं चाहूं तो इस रिंग को मैं रोप के अंदर फिर से मैजिकली घुसा सकता हूं। तो देखो 1 2 3, तो देख लो अभी दो साइड बाहर ही है लेकिन रिंग फिर से इस रोप के अंदर घुस गया। तो यार एक्चुअली इस तरीके से बहुत सारा तरीके से आप रिंग को रोप के अंदर घुसा सकते हो और करके दिखा सकते हो एक बेहतरीन मैजिक ट्रिक्स। तो यार इस मैजिक को करने के लिए आपको जो चाहिए वो है एक रिंग चाहिए। आप किसी भी रिंग्स को आप यूज कर सकते हैं, चाहिए तो अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप सिटी गोल्ड का जो बाला होता है वो भी आप यूज कर सकते हो, हमारे बादाम काकू के पास से आपको मिल जाएगा, ले लेना उसके पास से। तो जो भी इस तरह आपको एक रिंग चाहिए, और चाहिए आपको एक रोप जो किसी भी सिंपल रोप से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि रोप में किसी का कटिंग नहीं है, तो रियल में रोप में किसी का कोई कटिंग नहीं होता है और रिंग में भी किसी का कोई छेद नहीं होता है, दो सॉलिड चीज होते हैं। आपको चाहिए होगा एक हैंकी यानी कि रुमाल, वो कोई भी रुमाल हो सकता है। अब मैंने आपको जो करके दिखाया था वो है रुमाल को ऑफ करके रिंग को रोप के अंदर डाल के दिखाया था। एक्चुअली दोनों साइड को मैंने यूज नहीं किया था, ये भी मैंने आपको बार बार दिखाया कि दो साइड अलग अलग पड़ा हुआ है। तो ये गया कैसे? तो देखो एक्चुअली मैजिक में होता जो है वो आप किसी को दिखाया नहीं जाता है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, यही होता है मैजिक। आपने अमिताभ बच्चन को गाना सुना होगा। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले बताता हूं कि इस रोप में किसी का कटिंग नहीं है, देख लो दो साइड को अच्छे तरीके से, मैं दो साइड को अलग अलग करके रख देता हूं, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैजिक के, ऐसे मैं आपको पहले ही बता देता हूं। फिर मैं रुमाल को इसके ऊपर रख देता हूं, फिर मैं करता क्या हूं ना, इस रिंग को खींच के मैं इस रोप के ऊपर लेके आता हूं, ठीक है। ऐसे लेके आना है, आपको किसी भी एक साइड को चॉइस करना है कौन से हाथ से आप मैजिक को करना चाहते हो। तो मैंने इस हाथ से मैजिक को किया था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया था ना, इस साइड में और इस साइड में एक गट्ठा लगाया था। करना क्या है, आपको रिंग के ऊपर रोप को लेके जाना है और फिर आपको रोप को ऐसा खींचना है, और अगर आपको इस साइड से मैजिक करना हो तो उसके ऑपोजिट साइड में आपको गट्ठा लगाना है, और अगर इस साइड से मैजिक करना है तो आपको इसके साइड मतलब ऑपोजिट साइड में आपको गट्ठा लगाना है। तो मैंने इस हाथ से मैजिक को किया था, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से रोप को खींच के इस साइड को खींच के इसमें और इसमें एक गट्ठा लगाया था। ओके जस्ट वॉच ऐसे। ओके अगर आपको इस साइड से मैजिक करना तो ये गट्ठा यहां होगा, सिंपल सी बात। तो आपको जो करना है इसके बाद, ये जो साइड है देखिए, ये जो रोप है अभी ये रिंग के नीचे से गया हुआ है, ठीक है।
तो इस रोप को आपको खींच के बाहर करना होता है, नहीं तो ये मैजिक नहीं होगा। अब इसको खींच के थोड़ा सा मैं रोप को इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। ये सब काम हमारा रुमाल के अंदर होता है जो मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूँ कि एक्चुअली यार ये जो रिंग है ये रोप के अंदर घुस गया है, क्या आप विश्वास कर रहे हो? ऐसा नहीं कर रहे हो, रुमाल को हटाएंगे तभी आपको विश्वास होगा, ये सारे हम बात करते हैं। बट एक्चुअली रियल में इस रोप के अंदर रिंग को घुसा ही नहीं, जब तक ये रोप इधर से बाहर नहीं आ जाता तब तक ये रिंग रोप के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। इसको इधर से आके पूरा बाहर होना पड़ेगा तभी होगा। तो एक्चुअली हम ऐसे बात करते हैं कि यार चलो अब हम रुमाल को हटा के दिखाते हैं कि रियल में इसके अंदर गया है या नहीं, आप देख सकते हो दो साइड बाहर में है। इस तरह से बात करने के बाद मैं क्या करता हूँ ना, इस रुमाल के साथ इस साइड को भी पकड़ लेता हूँ, रुमाल के साथ साथ इसको भी पकड़ता हूँ और इस हाथ से इसको पकड़ता हूँ और फिर बताता हूँ कि देखो चलो मैं रुमाल का हटा के दिखा रहा हूँ। तो सोच लीजिए यहाँ पर रुमाल है और रुमाल को हटाने के नाम से इस रोप को भी मैं इस तरीके से आर पार कर लेता हूँ और देखने में लगता है कि रोप के अंदर रिंग घुस गया। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। सोच लीजिए रोप है, अब मैंने रिंग को यहाँ पर रखा, रुमाल को ऑफ किया और मैं कहता हूँ कि देखिए गाइस क्या आपको लगता है कि रोप के अंदर ये रिंग जा सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है ना गाइस? लेकिन एक्चुअली मैं मैजिक कर रहा हूँ रुमाल के अंदर और देख सकते हो ये अभी धीरे धीरे रोप के अंदर घुस जाएगा। और ऐसे मैं करके रुमाल से हाथ को बाहर कर लेता हूँ और फिर कहता हूँ देख लो यार दो साइड अभी भी बाहर है, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब ये रिंग जो है रोप के अंदर जाने वाला है, चलो मैं आपको रुमाल को हटा कर दिखाता हूँ। तो रुमाल होता है ऐसे और रुमाल के साथ मैंने इस रोप को पकड़ लिया था, ठीक है ऐसे। और पकड़ने के बाद ऐसे मैं बता देता हूँ कि चलो अब इसको मैं साइड करके दिखाता हूँ। तो देखो रुमाल मैंने हटा लिया, ये देख सकते हो रिंग जो है रोप के अंदर गया है। तो सब कहेगा नहीं नहीं ये तो फांस है, ये तो गट्ठा नहीं है, तो ऐसा है गट्ठा है वो है। तो आप कहेंगे नहीं यार रियल में देखो इसको खींच के दिखा सकते हो कि देखो ये घुस गया। एक्चुअली हमने यूज किया था इस साइड को, लेकिन इस तरीके से बात करना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ रियल में मैंने इन दोनों साइड को यूज ही नहीं किया, लेकिन एक्चुअली बिना यूज के ये रिंग कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तो यार ये था आज का ये मैजिक ट्रिक्स, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो एक बार आप ट्राई करो, आप भी आसान तरीके से कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना और लाइक तो आप प्लीज एक तो कर दो, क्योंकि इतनी तक अगर वीडियो को आपने देखा है तो आपने जरूर वीडियो का मजा यानी कि जो आनंद है वो उठाया है। तो हमें भी थोड़ा सा आनंद यानी कि खुशी देने की कोशिश करो एक लाइक से, और अगर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लो। यार देर किस बात की, क्योंकि इस चैनल के द्वारा हम सिखाते रहते हैं ढेर सारा मैजिक ट्रिक्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।